दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? आखिर वो इतना अमीर कैसे बना? कहां से आया उसके पास इतना पैसा? और एक ऐसी टिप अगर आप आज ही समझ गए तो आपके सपने पूरे होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जानकर गर्व होगा कि 163 मंजिला बुर्ज खलीफा में 22 फ्लैट एक भारतीय के ही हैं। जॉर्ज उनका नाम है और उनकी असली कहानी आपको बॉलीवुड की फिल्म लग सकती है। मामूली मैकेनिक से सफर शुरू करके एक बड़े बिजनेसमैन बनने का सफर तय करने वाले जॉर्ज मूलतः केरला से आते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि मेरे गांव में लोग कपास उगाते हैं, मजदूरी का काम भी वहां ठीक से नहीं मिलता, खाने को रोटी नहीं मिलती। दुबई आते ही जॉर्ज को ये बात समझने में देर ना लगी कि ये रेगिस्तान है और यहाँ एसी का बिजनेस बढ़िया चलेगा। एसी मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे, बढ़िया रोजी रोटी चल रही थी। एक दिन एक दोस्त का भारत से फोन आया और मजाक में कहा कि तुम कभी बुर्ज खलीफा गए हो? पर तुम तो ठहरे एक एसी मैकेनिक, तुमने तो बाहर से ही देखी होगी, अंदर तो तुम्हें कोई घुसने भी नहीं देगा। उस दोस्त की बात ने जॉर्ज की नींद उड़ा दी। एसी मैकेनिक की जॉब छोड़कर उन्होंने 5 मैकेनिकों के साथ अपना खुद का काम शुरू किया। दिन रात सोचने लगे कि मुझे अपना काम बढ़ाना है और बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट लेना है। 6 साल बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देखा कि बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट किराए पर खाली है। उन्होंने उसे किराए पर ले लिया और फिर देखते ही देखते वहाँ पर उन्होंने 22 फ्लैट खरीद लिए और कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अच्छी डील मिलते ही और भी खरीदूंगा। वो कहते हैं कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, बुरा तो है उनके लिए प्रयास न करना और अपनी किस्मत को दोष देना। राजा से रंक और गरीब से अमीर सब कुछ इसी दुनिया में होता है, किसी दूसरे ग्रह पर नहीं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।